Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Wednesday Tarot Hindi and this is ये आपकी September love or work reading है for Aries. अगर आपका sun sign, moon sign, rising sign Aries में है, ये reading आपके लिए है. आप किसी Aries को जानते हैं, आप cross watch कर सकते हैं friends, उनके लिए ये reading. Also friends, ये एक general reading है, हो सकता है resonate करे ना करे. Subscribe ज़रूर करें अगर आपने नहीं करा है, bell icon click कर लीजिए. ताकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे पुरानी रीडिंग्स जो मैंने ऑलरेडी कर दी हैं, तो बेल आइकन क्लिक कर लें फ्रेंड्स, आप मिस नहीं करेंगे नोटिफिकेशंस. ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट विजिट करें. चलिए देखते हैं आज का थीम ऑफ द, आपका थीम क्या है इस मंथ के लिए फॉर सेप्टेम्बर. चलिए देखते हैं फॉर सेप्टेम्बर थीम ऑफ द मंथ फॉर एरीज. Wow, Page of Pentacles and the Three of Pentacles, money, career, finances, work, business, क्या बात है? आपके cards बहुत stuck energy है, आपकी कोई stuck energy लग रही है मुझे Aries, जैसे कुछ stuck है आपकी life में. Queen of Swords and the Six of Wands, क्या बात है? Very interesting. I do see a partnership आपके लिए, कोई partnership, business या friend partnership हो सकती है या work partnership important रहेगी. I also feel आप लोग Aries बहुत ज़्यादा अपने career में बहुत invested रहेंगे, बहुत ज़्यादा passionate feel रहेंगे, passionate बोलेंगे या excited या कनेक्टेड फील करेंगे फ्रेंड्स. आप अपने करियर के साथ इस मंथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे और काफ़ी आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं पैसे को लेके, या आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं. वर्क पे फोकस है, वर्क को लेके आप काम करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने पे आप काम करेंगे. थीम में ये है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा लोगों के साथ, या लोगों को आपके साथ कोऑपरेट करना है. टीम प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एरीज इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज आई डू फील यहाँ पे भी लोग हैं, तो लोग कैसे लव में, फैमिली में, करियर में, दो तीन हर जगह लोग, आप कैसे उनके साथ एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए. टीम वर्क बहुत ज़रूरी है. और गुड न्यूज़ कि आपके लिए बहुत सारा सक्सेस आ रहा है एरीज, कंग्रेचुलेशंस. आई डू सी अ प्रमोशन, आई डू सी कोई रिवॉर्ड हो सकता है, या कोई रिकग्निशन आ रहा है आपको सोशल उस पर, आपकी सोसाइटी में हो सकता है. आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें जो आपको बहुत आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, या आप कुछ ऐसा टफ अपना नया सीखेंगे जो कि आपको लोग कहेंगे अरे वाह वेरी नाइस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो काफ़ी सारा आपके लिए लक और काफ़ी रिकग्निशन, रिवॉर्ड, सक्सेस एट वर्क, डेफिनेटली लव में भी. चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज. ओ माई गॉड, आपके कार्ड्स बहुत स्टक हैं. लेट मी जस्ट शफल देम. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आप लोग इतनी स्टक एनर्जी में क्यों हैं एरीज? व्हाई, What's going on? यहाँ तो इतने अच्छे कार्ड्स हैं आपके. For Aries, their love life for September. Page of Wands, आपकी खुद की एनर्जी. The Ace of Swords, new start. The Sun, see? Oh my God, Five of Pentacles. No wonder stuck energy है. The Three of Swords. The Queen of Pentacles. So let's take a clarifier for the five of pentacles, the world, the three of swords. Oh my god, judgment. No wonder आपकी इतनी ऐसी energy थी, एकदम strong. Nine of pentacles. आप लोग बहुत ही twin flame relationship या बहुत important relationships के साथ deal करने वाले हैं in the month of September. Friends, पहली चीज़ तो आप start करेंगे month feeling अपनी energy, single, as you are happy. आपको ज़्यादा किसी से, you know, आप फीलिंग हैप्पी इन योर सेल्फ. आप अगर सिंगल हैं, आप खुश हैं, आप लोग बहुत अपने ऊपर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होंगे इन द स्टार्टिंग, या पॉजिटिव फील करेंगे तो लोग काफ़ी अट्रैक्शन फील करेंगे आपकी तरफ, लोग बात करना चाहेंगे बिकॉज एनर्जी भी है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के
मुझे ऐसा लग रहा है या तो मेजर ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत मिलेंगे आपको सितंबर में, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस न्यू लोगों से सोशल मीडिया पे, आपके न्यू लोग मतलब न्यू लोग भी आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं, कोई ट्विन फ्लेम भी है। एक तो कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ, कोई एनर्जी स्टक है आपकी लाइफ में, कोई रिलेशनशिप है या पास्ट हर्ट है, आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी एरीज इन द मंथ ऑफ सितंबर इन योर लव लाइफ। और अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, रेडी टू मिंगल, योर सन इज शाइनिंग, डेफिनेटली डेफिनेटली लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के समवन विल रियलाइज समथिंग अबाउट यू एरीज, जो वो पहले रियलाइज नहीं कर रहे थे। कोई पर्सन ट्विन फ्लेम है आपके, हस्बैंड या वाइफ है, या कोई पास्ट से पर्सन है जहाँ कम्युनिकेशंस बंद थे और वो आपसे आपको समझ नहीं पा रहे थे आप क्या हैं, किस लिए हैं, या ये रिलेशनशिप क्या है, उनको क्लैरिटी मिलेगी और उनको बहुत ज़्यादा फेथ मिलेगा इस कनेक्शन को लेके। आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन वापस आना चाहेंगे आपकी लाइफ में मिड ऑफ द मंथ में, बट आई डू नॉट सी कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं एरीज, यू आर ग्लोइंग। सो दिस पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, योर एक्स हस्बैंड, योर लवर, ट्विन फ्लेम, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये वापस आना चाहेंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि अरे आप तो बहुत स्वीट लग रहे हैं, बहुत ग्लो कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये लाइफ में, एंड दे मिसिंग आउट, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील लाइक दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, बट आई डू नॉट सी कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। आई डू फील ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आप लोग अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में हैं। आई डू फील कि ये पर्सन कहेंगे आपसे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, या ये हम चेंज, ये बहुत सारी प्रोमिसज़ करेंगे आपको कि हम बिल्कुल चेंज हो गए हैं, हमने हमारा बिल्कुल चेंज कर लिया है, हम वो पर्सन नहीं हैं जिसको आप जानते थे या जानते हैं, वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वी आर अ न्यू पर्सन, बट आई डोंट सी कि आप इनको बिलीव करेंगे, आई सी कि आप इनसे वॉक अवे करेंगे। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आप हर्ट हो जाएंगे। दिस पर्सन हैज़ पुट यू इन अ थर्ड पार्टी इन द पास्ट, या जो पास्ट के इश्यूज़ हैं वो वापस आ सकते हैं फ्रेंड्स, मिड ऑफ़ द मंथ वापस रीइग्नाइट हो जाएंगे, या अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपको मिड ऑफ़ द मंथ हर्ट कर सकते हैं, और यू हैव टू स्टे केयरफुल, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है एरीज के कुछ लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है। इफ़ समवन इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको कुछ चीज़ है जो कोई पैटर्न एरीज आपकी लाइफ में बन गया है, रिलेशनशिप्स में, जो आप को चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरे को नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कोई नेगेटिव पर्सन है, वो बार बार अगर आपको फॉल्स प्रोमिसज कर रहे हैं, तो आपको उनसे वॉक अवे करने की ज़रूरत है। या आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको आपको बातें छुपा रहे हैं आपसे, या कुछ है, या थर्ड पार्टी में पुट कर रहे हैं, आपको अपने आप को चूज़ करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट इश्यूज़ रीएक्टिवेट होंगे मिड ऑफ द मंथ, पास्ट हर्ट्स हैं, पास्ट जजमेंट्स हैं, वो वापस से एक्टिवेट होंगे आपकी लव लाइफ में। और अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, आप इनसे बहुत टफ क्वेश्चंस पूछेंगे एरीज, और अगर ये पर्सन आपसे कभी मैरिड थे या आपको छोड़ के गए थर्ड पार्टी में, यू आर गोइंग टू आस्क फॉर यू नो व्हाई दे डिड इट, यू विल आस्क सम टफ क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैं आपको, मुझे लग रहा है आप इन्हें मूव अवे ही कर लेंगे इनसे विदाउट इवन आस्किंग। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होएगी आपके लिए एरीज मिड ऑफ द मंथ में, और आपको जो ये एक पैटर्न बन गया है आपका, या एक रिलेशनशिप में ये पैटर्न बन गया है आपके कि आप नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो टूट जाएगा इन द मिड ऑफ द मंथ, और आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, एंड यू विल गेट वैल्यू, यू विल फील लाइक दिस गॉडेस और द गॉड। आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास आएगा, अपने ऊपर फेथ आएगा, एंड आई सी उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है बेटर वर्क करेगी, या कोई बेटर रिलेशनशिप आपके लिए आएगी एंड ऑफ द मंथ में। आई डू फील कि आपके लिए ये मंथ थोड़ा टफ रहेगा, स्पेशली मिड से एंड तक, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप्स टेस्ट होंगी, पुराने, नई रिलेशनशिप भी है तो भी पुराने डर, पुराने फियर्स, सब कुछ वापस एक्टिवेट होंगे एरीज। तो आपको ख्याल रखना है कि आप
उन्हें कैसे डील करेंगे और कैसे समझेंगे. तो यू हैव टू कीप दिस. आप इस रीडिंग को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स, या सेव कर लीजिए, दोबारा देखिएगा. आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी. आई फील एंड ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आप सिंगल हैं जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, और रिलेशनशिप्स आपकी अच्छी रहेंगी. द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो देयर. हो सकता है आप या आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप तो आप लोग फैमिली एक्सपेंड करने पे आप दोनों के थॉट्स मिले. एंड आई डू सी अ रिलेशनशिप गेटिंग बेटर एंड मूविंग फॉरवर्ड, बट थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलें आएंगी. एंड आई ऑल्सो फील आपको अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा एरीज. पास्ट की ये टॉक्सिक चीज़ें हटाने की ज़रूरत है. अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आई फील मिड ऑफ द मंथ में आपको जो लोग सही नहीं है वो आपको पता लग जाएंगे, और एंड ऑफ द मंथ में आपको जो सही रिलेशनशिप है वो पता लग जाएगी और वो आगे बढ़ेगी. चलिए देखते हैं आपका वर्क और करियर कैसा रहेगा. एरीज देयर वर्क फॉर एरीज वर्क करियर एंड मनी. वाओ, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. आप लोग बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं इस मंथ, बहुत बहुत ज़्यादा. सो गेट रेडी एरीज. आई टोल्ड यू यहाँ पे भी सक्सेस आ रहा है, तो आप लोग अपना बेस्ट देने वाले हैं, या बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट देने वाले हैं. एग्जॉस्ट कर लेंगे आप काम कर करके, लेट नाइट, ओवर नाइट, दिन में, रात को, सुबह. हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ ज़्यादा वर्क करके, या ज़्यादा वर्क के लिए टेंशन करके. इतना ना करें फ्रेंड्स, हेल्थ को प्रायोरिटी दें. और आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि आपको अगर न्यू जॉब नहीं मिला है तो वो मिल सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हैप्पीनेस मिलेगी. जैसे अभी तक आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे बिजनेस में, कोई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, वो मिलेंगे. हो सकता है आपकी फैमिली या फ्रेंड्स की आपके क्लाइंट्स बन जाए. आई ऑल्सो फील कि आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आपको पैसे, आई थिंक देर इज़ समथिंग स्टक. मे बी आपकी चक्रास ब्लॉक्ड हैं कुछ एरीज, समथिंग इज़ स्टक जो अभी तक था, लेकिन जैसे मनी नहीं आ रही है, या आपको फील ही नहीं हो रहा है कि कभी आएगी. पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आते ही नहीं है. लक ही स्टक है आपका. बट आई थिंक वो ठीक होगा फ्रेंड्स. इन सितंबर कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी, पैसे मिलेंगे. और आई थिंक आपको अगर बहुत टाइम से जॉब नहीं मिला है, देर इज़ अ चांस कि आपको कोई पैसे या कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ही मिल जाए जिसमें आप थोड़ा अर्न कर सकेंगे. आई थिंक आप रोएंगे, यू विल क्राई हैप्पी टीयर्स कि ओह माय गॉड, ये कैसे मतलब हुआ, हम कब से तरस रहे थे इस चीज के लिए. हैप्पी टीयर्स, हैप्पी टीयर्स. आई डू सी अ सेलिब्रेशन ऑल्सो कमिंग. जैसे आपको, आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें और प्रमोशन मिल सकता है, आप काम नहीं कर रहे कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मिल सकता है, आप बिजनेस में हैं, कुछ क्लाइंट्स या पैसा आ रहा है आपकी तरफ, तो यू विल क्राई, जो कि बहुत टाइम से नहीं हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको ये सक्सेस मिला ही नहीं है. आप थक गए वेट कर करके, अत्ती हो गई थी, इम्तिहान थी ये आपके पेशेंस की. अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपने बहुत टाइम से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, वो क्लियर नहीं हो रहा था, इस मंथ हो जाएगा, या मे बी नेक्स्ट मंथ आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी. ऑल्सो सेलिब्रेशंस लग रहे हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. आप कुछ हो सकता है फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोलाब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट स्टडीज़ है. ऑल्सो आई फील कि आप लोगों को नए लोग मिलेंगे काम करने के लिए, सपोर्टिव पीपल, नए आइडियाज़, यू नो. आप ओपन रहिए, आई थिंक दे आर हेल्पफुल पीपल एंड हेल्पफुल आइडियाज़, आप ओपन रहिए उनके लिए. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है. एरीज, शेयर द लव. सी, आप लोग काफ़ी टफ हो रहे हैं अपने पे एरीज, सो डोंट डू दैट. कमिंग टुगेदर, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू. टू ऑफ कप्स, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी फैमिली के साथ, लव रिलेशनशिप्स, मैरिज. डेफिनेटली देखिए, एग है तो फर्टिलिटी का भी कार्ड है ये, और सब चीज़ें आपके लिए एक साथ आती जानी है धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सब्र रखिए. और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए, शेयर द लव. डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, और आप इंजॉय करते रहिए और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते रहिए. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. लोगों के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ब्लॉसमिंग. देखिए, न्यू, यू आर स्टार्टिंग, यू आर वर्किंग ऑन थिंग्स, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी. नंबर 20 ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, 2023. सो यस, काफ़ी नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है, और नए लोग भी मिलेंगे आपको जो हेल्प करेंगे.
सो स्टे फोकस्ड फ्रेंड्स, चलिए आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं। फॉर एरीज, उप्स, चलिए देखते हैं। नवंबर जी, नवंबर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। काइट वेकेशन, वाह, आई डू सी कि हो सकता है आप लोग फैमिली के साथ या कहीं वेकेशन पे या ट्रिप पे जाएं, या अपनी फैमिली या ग्रैंड पेरेंट्स या लवर्स से आप मिलने जाएं, या वो आपके पास आएं। सो देयर विल बी सेलिब्रेशंस, जॉय, हैप्पीनेस, या हो सकता है आप रिलोकेट करें। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे या कुछ होगा आपकी लाइफ में नया जो कि रिस्की है लेकिन अच्छा जाएगा। डिप्रेशन, एन्जाइटी एंड वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू वल्चर। आई डू फील आपको पहले बहुत नेगेटिव लोग मिले हैं, टॉक्सिक कनेक्शंस इन लव, सो आपको अभी भी वो डर रहेगा कि अरे क्या ही तो ये वापस तो नहीं आ रहे हैं, ये वैसे ही लोग तो नहीं आ रहे हैं। आपको वो फियर को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अफेयर्स विद योर फैमिली ट्री, इस मंथ आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपकी फैमिली बनेंगे आगे चल के। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर, डेफिनेटली कोई पास से आपको एंगर दिला सकता है। आर्कवे, न्यू पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग, नए रास्ते खुलेंगे। ब्लॉसम की भी एनर्जी है। रैबिट, सेक्सुअल मैटर्स, पैशंस आर हाई एरीज, डेफिनेटली आप बहुत पैशनेट फील करेंगे अपनी रिलेशनशिप्स में। नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओ माई गॉड फ्रेंड, समवन वॉन्ट्स टू बिल्ड अ नेस्ट विद यू, हाउ नाइस। फेब्रुअरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सो नवंबर और फेब्रुअरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई डू सी कि आपको कोई वैकेशन मिल सकती है, ट्रिप हो सकता है, पार्टी हो सकती है इस वीक, इस मंथ। सो कंग्रेचुलेशंस एरीज, अभी के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय फॉर नाउ।